गहलोत और पायलट में दूरियां है, क्या दूरियां? ये नहीं है, वो समाप्त कर दी है। कांग्रेस पार्टी में दो गुट बने हुए हैं, लोकसभा चुनाव में एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी डट कर मुकाबला कर पाएगी भाजपा का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कोई दो गुट नहीं है, सारे कार्यकर्ता जो भी पदाधिकारी है वो सब एक है। राहुल गांधी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है और आसाम सरकार ने, वहाँ की बीजेपी ने जो कुछ उनको रोकने की, उनके या पत्थर फेंकने की, उनको मंदिर में नहीं जाने देने की, ये अच्छा काम नहीं किया है। भाजपा ने दादागिरी दिखानी शुरू कर दी है, न्याय और न्याय और सबको इन्होंने नष्ट कर दिया सब चीज़ को। इसलिए कांग्रेस इस बात के है, न्याय मिलना चाहिए, अपने हक मिलना चाहिए, दादागिरी नहीं चलनी चाहिए। और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। मंदिर का जो उद्घाटन किया है वो मतलब मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये श्रद्धा थी लोगों के प्रति या कुछ ऐसा, ये सिर्फ वोट मांगने के लिए जो एक मुद्दा बना रखा है इन लोगों ने, बस शायद वही नीति है, इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं था। इस वक्त हम राजधानी जयपुर के जो गांधी सर्किल है वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है और यहाँ पर बड़े बड़े नेता मौजूद है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमला किया जाता है और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है भाजपा पर, तो उसके विरोध के चलते यहाँ पर राजधानी में आज विरोध किया जा रहा है, जिस पे देख सकते हो कि यहाँ पर नेता है महेश जोशी और NSUI के जो नए प्रदेशाध्यक्ष है विनोद। प्रकार से आसाम में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वहाँ पर हमला किया जाता है उनकी यात्रा में और उनको बीते दिन मंदिर जाने से रोका जाता है, तो इसको लेकर यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हार चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अब नज़र रहेगी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, तो इसी को लेकर भाजपा पार्टी पर कांग्रेस पार्टी जमकर निशाना साधती हुई नजर आएगी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में बस चंद दिन बाकी है, 85 से 90 दिन बाकी है और इस बीच कांग्रेस पार्टी जमकर आरोप लगाएगी भाजपा पर और राजनीति फ़ायदा लेने की कोशिश करेगी। अब देखना होता है कि भाजपा पार्टी जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है और कांग्रेस पार्टी वहीं अपनी रणनीति के तहत भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, तो देखना होता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आती है, क्योंकि बात करें पिछले दो लोकसभा चुनाव की 2014-2019 में तो क्लीन स्वीप हो गई थी कांग्रेस पार्टी और भाजपा की नज़र है हैट्रिक लगाने की, तो देखना रोचक होगा कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से भाजपा को चुनौती दे पाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में खास जिम्मेदारी संभाले हुए थे प्रदेश में और इस बार भी उनकी नज़र रहेगी राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर 25 सीटें हैं, तो एक भाजपा पार्टी चाहेगी कि 25 की 25 सीटें हम फिर से जीते और जो लगातार हमारी जो हैट्रिक है वो लगाए, तो देखना रोचक होगा कि भाजपा पार्टी को कांग्रेस पार्टी चुनौती दे पाती है या फिर नहीं। फिर नज़र डालेंगे एक बार फिर यहाँ पे जो मौन सत्याग्रह किया जा रहा है, तो यहाँ पे NSUI के जो कार्यकर्ता है वो भी पहुँचे हैं, इनके हाथ में बैनर दे सकते हो कि अन्याय के विरुद्ध न्याय का हक और न्याय का हक मिलने तक, तो ये मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। अब देखना रोचक होगा कि राजस्थान के साथ साथ जहाँ भी भाजपा की सरकार है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है। आपको बता दें कि आज सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है, तो वहाँ पर तस्वीर रखी गई है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की और उन पर माला टंगी हुई है, लेकिन मौन सत्याग्रह करके कांग्रेस पार्टी क्या भाजपा को चुनौती दे पाएगी, ये दिखने वाली बात होगी। यहाँ पर किसी कार्यकर्ता से बातचीत करते हैं और जानते हैं विरोध कर रहे हो आप, क्या विरोध करने की वजह क्या है? ये गांधी जी का रास्ता है कि कोई कहीं अड़चन पैदा करता है देश में तो उसका विरोध करना ही चाहिए। राहुल गांधी ने जैसा पहले यात्रा की है, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा की है, पैदल यात्रा, कहीं भी फड़ी भी नहीं हिली है। राहुल गांधी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है और आसाम सरकार ने, वहाँ की बीजेपी ने जो कुछ उनको रोकने की, उनके या पत्थर फेंकने की, उनको मंदिर में नहीं जाने देने की, ये अच्छा काम नहीं किया है। राहुल गांधी जो है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, खड़गे जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, खड़गे आप जानो साधारण परिवार का व्यक्ति है, वो भी आगे बढ़ाने के लिए देश का काम कर रहा है। एक आदमी मंदिर में जाएगा
और करोड़ों आदमी उस दिन मंदिर में जाएंगे। ये न्याय की बात है क्या? न्याय की बात है कि जहाँ मंदिर है सब लोगों को जाने का हक है, उसमें ये रुकावट जो पैदा की है और राहुल गांधी के खिलाफ जो वातावरण वहाँ पत्थर फेंक कर बना रहे हैं, उसकी यात्रा को रोक रहे हैं, ये अन्याय है, अच्छा नहीं है। और आने वाले वक्त में चुनाव आने वाला है 24 में। मेरा अगला सवाल यही होगा कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसकी नज़र से देखें तो राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। किस प्रकार से ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? इस प्रकार की यात्रा से कांग्रेस को संबल पहले भी मिला है और आने वाले 24 में भी उनको संबल मिलेगा। दिल्ली में कांग्रेस की, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये निश्चित है, क्योंकि जनता ये कहते हैं कि साहब हमने ये कर दिया। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जब मंदिर पर वातावरण बिगाड़ा था आडवाणी ने तो तोड़ने का आरोप टूटा, तो उसके बाद जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में उसका क्या रिजल्ट आया? कल्याण सिंह की सरकार थी, दोबारा किसकी सरकार आई? मुलायम सिंह की सरकार आ गई। इसलिए इस तरह का कोई मंदिर में किसी को रोकने का हक नहीं है, हर आदमी को चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष नज़र आ रहा है, गुस्से में नज़र आ रहे हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी यात्रा पर हमला होता है और उनको मंदिर जाने से रोका जाता है, तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या मैम, क्या मानते हो सरकार भाजपा की प्रदेश में मौन सत्याग्रह कर रहे हो, सड़कों पर कब उतरोगे? देखिए, सबसे पहले आराम से समझाया जाता है, न्याय सत्य के मार्ग पर हमने तो देश को आज़ाद भी अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर आज़ादी दिलाई है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की जो ये सरकार है ये मद से बाहर निकले। इनके अंदर इतना अहंकार है कि ये किसी को कुछ समझना नहीं चाहते अपने सामने, जबकि ये गलत है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की अपनी महती भूमिका होती है और विपक्ष को सम्मान देना किसी भी सरकार का, एक टाइम ऐसा था जब विपक्ष बिल्कुल सुनने के पर पहुंच गया था, तो इंदिरा गांधी जी ने विपक्ष को, अटल बिहारी जी को खुद चुनाव लड़ाए थे अपने वहाँ से किसी को वो करा के। तो ये हमारी सोच और इनकी सोच में बहुत बड़ा फर्क है। ये लोग केवल और केवल भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं, केवल धर्म के नाम पर लोगों को भड़का कर, और बेरोजगारी की ये बात नहीं करेंगे। आज देश में महंगाई कितनी बढ़ गई उसकी बात नहीं करेंगे। अब देखिए, विश्व लेवल पर जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो 36% कम हुए हैं एक साल के अंदर, लेकिन आम आदमी को एक रुपए का बेनिफिट नहीं मिला, केवल कुछ पूंजीपति लोग इससे कमा रहे हैं। एक व्यक्ति इतना अमीर हो जाता है कि पूरे विश्व में उसका नाम चला जाता है, लेकिन बाकी आम जनता है वो गरीबी से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सोए हुए हैं, उनका इस तरफ किसी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता के साथ ताल ठोक रही है, भाजपा को क्या चुनौती दे पाएगी? निश्चित रूप से, क्योंकि ये लोग तो उन्माद की राजनीति करते हैं और हमारा बिल्कुल आम आदमी के साथ खड़े होकर हम लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस को इसको सफलता मिलेगी और सभी जो हमारे संयुक्त दल हैं वो सब साथ मिलकर देश के हित के मुद्दों के ऊपर इनको हम घेरेंगे। और जो ये गलत करना चाह रहे हैं, युवाओं को रोज़गार नहीं देना चाह रहे, क्योंकि इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन आज 10 साल हो गए तो उस हिसाब से 20 करोड़ नौकरियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन युवा बेरोजगारी की चरम सीमा पर। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से जो विरोध करती हुई नजर आ रही है, आप देख पा रहे होंगे पीछे बड़े बड़े नेता मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के, महेश जोशी हो गए, इसके साथ ही जो विनोद जाखड़ है जो कि NSUI के प्रदेश अध्यक्ष है, नई जिम्मेदारी मिली है, तो देखना रोचक होगा कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से भाजपा को घेर पाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनौती देना चाहेगी, क्या उनकी रणनीति भाजपा को चुनौती देना कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी। आप विरोध कर रहे हो, क्यों विरोध कर रहे हो? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कल राहुल गांधी जी पे जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसके उपरांत जो मंदिर का जो उद्घाटन था, तो उन लोगों ने राहुल गांधी जी ऊपर जिस तरीके से हमला करने की कोशिश करी उसके खिलाफ़ हम यहाँ पे आज धरने पर बैठे हैं और उन्हें मंदिर जाने से भी रोका गया। बीते दिन मंदिर जाने से रोका गया, एक तरफ उनको आमंत्रण दिया गया था उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और दूसरी तरफ आसाम में वो मंदिर जाते हैं शनिदेव के, वहाँ पर रोका जाता है, तो क्या मानना है? क्योंकि ये जो मंदिर का उद्घाटन था वो एक राजनीति तरीके से हुआ है, ठीक है, ये भाजपा के तरीके, भाजपा ने जिस तरीके से अपनी नीतियाँ अपना के मंदिर का जो उद्घाटन किया है वो, मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब ये श्रद्धा थी लोगों के प्रति या कुछ ऐसा, ये सिर्फ वोट मांगने के लिए जो एक मुद्दा बना रखा है इन लोगों ने,
बस शायद वही नीति है, इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं था यहाँ पे, ऐसा नहीं था जी। कांग्रेस पार्टी में दो गुट बने हुए हैं और विधानसभा चुनाव में बड़ी एक हार का कारण माना जा रहा है, दो गुट थे, तो क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव में एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी डट कर मुकाबला कर पाएगी भाजपा का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई दो गुट नहीं है। जहाँ पर पार्टी का सवाल आता है वहाँ सारे कार्यकर्ता जो भी पदाधिकारी है वो सब एक है और मिलजुल कर हम लोग पार्टी के लिए मेहनत करेंगे और आगामी जो चुनाव है लोकसभा के शायद कार्यकर्ता मजबूत डट के मुकाबला करेगा उसका। हमारे साथ एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, इन सभी बातचीत करते हैं और जानते हैं आप आज मौन सत्याग्रह कर रहे हो, क्या लगता है भाजपा आपके मौन सत्याग्रह को गंभीरता से लेगी? लेने पड़ेगी, ऐसा है भाजपा ने दादागिरी दिखानी शुरू कर दी है, न्याय और न्याय और सबको इन्होंने नष्ट कर दिया सब चीज़ को, इसलिए कांग्रेस इस बात के है न्याय मिलना चाहिए, अपने हक मिलना चाहिए, दादागिरी नहीं चलनी चाहिए, यही चाहते हैं, इसलिए सत्याग्रह है हमारा और यही चाहते हैं। आगे लोकसभा में हम कांग्रेस पार्टी फुल आएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। किसको मानते हो, इंडिया गठबंधन अभी मंथन करने में जुटी हुई है, बनेगा कांग्रेस का, कोई भी किसी को बनाए कांग्रेस का प्रधानमंत्री, कांग्रेस का ही बनेगा, कांग्रेस का ही बनेगा। लोकसभा चुनाव में बीते 2014-2019 के लोकसभा चुनाव की बात करिए तो क्लीन स्वीप हो गई थी कांग्रेस पार्टी, इस बार अब इसका बिल्कुल विपरीत बात आएगी, अब बिल्कुल ही जनता का भाव पूरा बदलेगा और पूरा सीटें कांग्रेस को मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी, मिलेगी। प्रधानमंत्री का चेहरा काम नहीं करेगा लोकसभा चुनाव में? नहीं नहीं, राजस्थान में कोई भी करे पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा, नरेंद्र मोदी नहीं आएगा इस बार। गहलोत और पायलट में दूरियां है, क्या दूरियां? ये नहीं है, अब वो समाप्त कर दी है, वो दूरियां नहीं है, वो समाप्त हो गई, दूरियां नहीं रही। तो यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है वो भाजपा पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि अब की बार जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे और जो मोदी है वो फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन देखना रोचक होगा कि भाजपा पार्टी लोकसभा चुनाव में बीते दो चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी की काफ़ी बुरी स्थिति हो चुकी थी, तो अब देखना रोचक होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी टक्कर दे पाती है या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है सचिन पायलट वो कह चुके हैं कि जब विपक्ष में होते हैं तभी हम हमारी नेतागिरी चमका सकते हैं, तो देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता एकजुटता के साथ मैदान में डटे हुए रहते हैं या फिर नहीं। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।